आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हमारे मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है, लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें आपको एक कनेक्शन का ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे मोबाइल नेटवर्क का ये ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है, ये पेज आता है, इसमें रीसेट टू डिफॉल्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। तो नीचे पेज आकर रीसेट एपीएन सेटिंग का, इसमें आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है एपीएन सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट, इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।